गुड इवनिंग शुभ संध्या राधे राधे जय श्री कृष्णा सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एम डी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है भाई अतुल अभी महाकाल लल्ला शैलेश आरती राहुल बहुत बहुत स्वागत है मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू एक बार जोरदार तरीके से दोस्तों सेशन को शेयर जरूर करेंगे और लाइक करना तो बनता ही है शुरू किया जाए ये सफर जबरदस्त तरीके से भाई और आज मॉडर्न हिस्ट्री का पहला दिन है और आपके बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो आज क्लियर होने वाले हैं शानदार तरीके से और मैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पूछे हुए करा रहा हूं तो इस वजह से ये पूरा सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है ठीक है भाई ज्योति दिनेश सुनीता बहुत बहुत स्वागत है भाई प्रिंस अंकलेश्वर स्वागत है भाई अच्छा अल्केश्वर जी बहुत बहुत स्वागत है प्रयांश वहाब बहुत बहुत स्वागत है मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू चलिए तो शुरू किया जाए भाई तो चलते हैं दोस्तों और पहला ही सवाल एकदम जबरदस्त है धमाकेदार है और एक चीज कहना चाहूंगा कि भाई सपनों की बुनियाद जो हम लेकर आ रहे हैं 22 सितंबर को इसका इवेंट ये क्लास शेड्यूल हो चुकी है यूट्यूब पर कृपया सभी लोग जाकर इसे लाइक जरूर कर दें और दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि 22 तारीख को हम आपको देंगे कुछ सरप्राइज तो जरूर रहेंगे तैयार ये रहा पहला सवाल अरे वाह भाई रितेश शानदार तो कलकत्ता का स्थापना अब देखना भाई ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन इसके माध्यम से हम आपको बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं अतुल सुनीता एकदम शानदार भाई जॉब अब आइए हम आपको बताते हैं वीके का जीके अंदाज में देखिए दोस्तों जैसे अगर आपसे कहा जाए मुंबई का संस्थापक कौन तो मुंबई का संस्थापक कौन था भैया गैराल्ड ऑंगियार कौन था दोस्तों गैराल्ड ऑंगियार कौन था ये मुंबई का संस्थापक था कहां का मुंबई का संस्थापक था इसी प्रकार से दोस्तों अगर मद्रास का संस्थापक पूछा जाए तब अच्छा सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है मद्रास और पांडिचेरी के संस्थापक में क्यों होता है आइए आपको बताते हैं क्योंकि दोनों के नाम काफी मिलते जुलते हैं जैसे इनका नाम क्या है इनका नाम है फ्रांसिस डे क्या नाम है फ्रांसिस डे और इनका नाम क्या है इसका नाम है फ्रांसिस मार्टिन कहने का मतलब यह है कि अगर मार्टिन आ जाए तो पांडिचेरी के संस्थापक हैं और डे आ जाए तो भैया ये मद्रास के संस्थापक हैं अब देखना इसी प्रकार से चंडीगढ़ का संस्थापक कौन दोस्तों तो चंडीगढ़ के संस्थापक कौन भाई ली कार्बुसियर कौन है संस्थापक ली कार्बुसियर संस्थापक हैं ठीक है ठेके? तो इसको भी याद रखना है इसी प्रकार से कलकत्ता का तो खैर आपने देख ही लिया कि जॉब चौर नौक है जॉब चौर नौक है और देखिए कोई याद करिए कोई ऐसा जो इस तरह का शहर हो और इंपॉर्टेंट हो तो भैया नई दिल्ली कौन सा बचा हुआ था नई दिल्ली बचा हुआ था नई दिल्ली के संस्थापक कौन तो भैया ये थे एडविन लूटियंस कौन एडविन लूटियंस तो भैया देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में आधुनिक भारत की इतिहास के इतिहास की अगर हम बात करें तो आधुनिक भारत के इतिहास में अगर आप देखेंगे तो ये वो शहर है जिसकी स्थापना किसने की इससे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं और बिल्कुल वीके का जीके अंदाज में है तो मजा तो आएगा ही दोस्तों बिल्कुल मजा आएगा स्वागत है भाई लाडो स्वागत है अच्छा भाई स्वागत है भाई कविता तो, तो बिल्कुल ले लीजिए और एक बार जोरदार तरीके से दोस्तों क्लास और आप सभी का जबरदस्त तरीके से स्वागत है भैया शशिकांत हर चीज में ट्रिक चाहिए इसमें क्या ट्रिक ले आएंगे जब इतना खतरनाक नाम है तो इसमें ट्रिक बनाओगे नानी याद आ जाएगी तब तो याद आने में याद करने में चलिए भाई स्वागत है भाई बिहारी बाबू मोनी जी स्वागत है स्वागत है भाई सुमित किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने हेतु भारत आए अगर आप दो मिनट का समय दें तो मैं आपको इसका बढ़िया जबरदस्त कोर्स करा दूं बस मिनट का एगो कोर्स है जिससे आपको पता चलेगा शानदार तरीके से कि कैसे और किस प्रकार के क्वेश्चन दमदार वाले यहां से आते हैं हालांकि जवाब देखिए यहां पर क्या है भाई यूरोपीय लोग व्यापार करने हैं तो आए आने का क्रम पूछा है तो ये आंसर होगा ठीक है आने का क्रम पूछा है तो ये आंसर होगा और अगर आपसे का स्थापना का क्रम पूछ लेता क्या अगर इन कंपनियों की स्थापना का क्रम पूछ लेता तब आपका आंसर यह होता नहीं समझ पाए आइए समझाते हैं दोस्तों समझाते हैं देखिए सबसे पहले भारत आए पुर्तगाली चौदह में फिर आए डच पंद्रह पंचानवे छियानवे में फिर आए अंग्रेज 1608 में फिर आए दोस्तों कौन फ्रेंच सोलह में लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर हम इनकी कंपनियों की स्थापना का क्रम पूछ लें है ना भाई कंपनी स्थापना का क्रम पूछा जाए तब थोड़ा सा बदलाव होगा क्या बदलाव होगा तो आइए देखा जाए कि बदलाव क्या होगा तो भैया देखिए बदलाव में यह होगा कि भाई पुर्तगाली तो पुर अपनी जगह पर ठीक है वही रहेंगे चौदह में ही इनकी कंपनी बनी लेकिन डच जो है जो है यह डच कंपनी कब बनी थी डच कंपनी बनी थी 1602 में ठीक है भैया और अंग्रेज कंपनी बन गई थी कब 1600 ईस्वी में कब बन गई थी 1600 ईस्वी में बाकी फ्रेंच कंपनी सोलह चौसठ में समझ पा रहे हैं तो आप देखिए वर्षों का डिफरेंस कैसे आ रहा है जब एक साथ पढ़ेंगे तो चीजें याद रहेंगी ठीक है आप देखिए कि जब आने का क्रम कहा जा रहा है तो आने का क्रम यह है ठीक है भैया ये आने का क्रम है और ये क्या है यह स्थापना का क्रम है अब इसी प्रकार से चीजों को समझ चलिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण तो है अब एक बात और बता दें अगर हम आपसे कहें कि भाई पहली पहला यात्री तो पहला यात्री कौन था भाई तो आप यह भी जरा ध्यान दीजिए गई एकदम

फ्रैंको कैरो था ठीक है ये तो हो गया ये अब अगर हम बात करें कि इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर लगाई तो किसने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर लगाई तो ये भी जरा ध्यान दीजिए तो पुर्तगालियों द्वारा अपनी पहली फैक्ट्री कहां लगाई गई थी भाई तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां लगाई थी दोस्तों तो कन्नूर में लगाई थी कहां पर कन्नूर में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां लगाई थी भाई मसूली पट्टम में कहां पर लगाई थी मसूली पट्टम में लगाई थी इसी प्रकार से अंग्रेजों की बात करिए और चाहे फ्रांसीसियों की बात करिए इन दोनों की पहली फैक्ट्री कहां पर थी सूरत में थी समझ पा रहे हैं तो आप देखिए कि कितना बेहतरीन अंदाज में है और एक ही जगह पर है तो जाहिर सी बात है कि जबरदस्त है शानदार है जिंदाबाद ठीक है भाई <laughs> तो भाई स्क्रीनशॉट फिर से लेना चाहे तो बिल्कुल ले लीजिए एक और वीके का जीके अंदाज ये दो मिनट का कोर्स आपका कंप्लीट हुआ आगे बढ़ते हैं भैया मजा आया शानदार है धमाकेदार है तो फिर लाइक का बटन दबना चाहिए हाँ भाई युक्ति राहुल सुरेश पवन सुमित चलिए भाई बताइए ये सवाल बताइए और ये सवाल भी दोस्तों बढ़िया सवाल है सवाल है कि कालीकट में चौदह में वास्को डिगामा के साथ उतरने वाले गुजराती पायलट का क्या नाम था भैया क्या नाम था जरा फटाफट बताइए तो भैया एकदम सिंपल सी बात है कि कालीकट दोस्तों कालीकट कहां पड़ता पड़ता है है केरला में है. तो आप देखेंगे कि वास्को डिगामा पहला पुर्तगाली यात्री था भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज इसी ने की अब्दुल मजीद के साथ भारत आया था कब आया था चौदह में और एग्जैक्टली जिस बंदरगाह पर उतरा था उस बंदरगाह का नाम क्या था दोस्तों उस बंदरगाह का नाम था कपक डब्बू क्या नाम था कपक डब्बू ठीक है भैया हाँ हाँ स्वागत है भाई शिवा शानदार तो भाई एकदम अब्दुल मजीद होगा युक्ति जी एकदम सही कहा चले और स्वागत किसने किया था तो जमोरिन ने स्वागत किया था हाँ जमोरिन ने स्वागत किया था और जमोरिन उसका नाम नहीं बल्कि उसकी उपाधि थी ठीक है भैया हाँ। <laughs> ठीक है ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था इस क्वेश्चन का आंसर मुझे लग रहा है कुछ कम लोगों का सही आएगा लेकिन फिर भी आना चाहिए भाई 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 क्या बात है ऋषभ अरे अरे वाह राजन गजब तो तो भैया देखो शुरू शुरू में जब अंग्रेज आए तो एक बात बताइए क्या शुरू में आते ही कहेंगे कि हमको साम्राज्य स्थापित करना है नहीं कहेंगे यह भी नहीं कहेंगे कि हमको साम्राज्य चाहिए और व्यापार दोनों चाहिए तो भैया शुरू शुरू में तो यही कहेंगे ना कि हम केवल क्या करने आए हैं सॉरी आ uh, क्या करने आए हैं व्यापार और भूभाग नहीं नहीं व्यापार और भूभाग नहीं ये वाला हाँ एकदम सही बात है भूभाग नहीं व्यापार तो शुरू शुरू में यही इन्होंने कहा कि हमें कोई साम्राज्य नहीं स्थापित करना है हमको क्या करना है केवल व्यापार करना है लेकिन आगे चलकर ये निकम्मे अपनी बात से गए पलट ठीक है पलट देखो भैया ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व कब प्राप्त हुआ भाई और बढ़िया सवाल है और देख रहे हैं कि सभी लोगों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं और अभी तक तो किसी का आंसर इस क्वेश्चन का सही नहीं आया है फटाफट बताएंगे भाई अरे बाबा क्या बात है भाई सरिता जी सबसे पहले सरिता जी का और प्रयांश का आंसर एकदम सही आया है तो सत्रह अब जरा ध्यान दीजिएगा कि दरअसल में हुआ ये दोस्तों कि सत्रह में क्या हुआ था बक्सर का युद्ध हुआ था ठीक है और ये जो बक्सर का युद्ध हुआ इस बक्सर के युद्ध में एक तरफ कौन थे एक तरफ दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी थी और दूसरी तरफ बंगाल का पूर्व नवाब मीर कासिम अवध का नवाब आसफउद्दौला कौन अवध का नवाब आसफउद्दौला और मुगल शासक शाह सा आलम द्वितीय की सेना थी और इन तीनों की संयुक्त टुकड़ियों ने इन तीनों है ना इन तीनों की संयुक्त टुकड़ियों ने भी है ना ईस्ट इंडिया कंपनी को हराने में अपने आप को असफल पाया अच्छा तो बक्सर के युद्ध को जीतने के बाद सत्रह में क्या हुआ दोस्तों इलाहाबाद की संधि हुई तो इस बात का ध्यान देना है कि चूंकि इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी इसी वजह से ठीक है और इलाहाबाद की संधि आप जानते हैं कि इसमें बंगाल के नवाब मीर कासिम को मार दिया गया अवध के नवाब और मुगल शासक के साथ इलाहाबाद की संधि हो गई और इसी संधि से क्या हुआ इसी संधि से अंग्रेजों को बंगाल पर पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हो गया और जैसे ही अंग्रेजों को बंगाल पर पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ इन्होंने यहां पर क्या स्टार्ट कर दिया इन्होंने यहां पर क्या स्टार्ट कर दिया दोस्तों यहां पर इन्होंने स्टार्ट कर दिया द्वैध शासन क्या स्टार्ट कर दिया द्वैध शासन याद है कि नहीं याद है इलाहाबाद की संधि याद है हा हा चलिए आगे बढ़ा जाए भाई पांडिचेरी का संस्थापक अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले भाई हाँ हाँ बहुत बहुत आशीर्वाद भैया शिवा हा हा बिल्कुल पवन वहाव लल्ला युक्ति एकदम सही आंसर आना चाहिए सभी का भाई क्या बात है भाई चंदन अतुल प्रयांश वाह वाह भाई नलेश शानदार तो भैया अभी बताया था थोड़ी देर पहले फ्रांसिस मार्टिन कौन फ्रांसिस मार्टिन और बाकी इसमें से डुप्ले कौन है तो भारत में फ्रेंच शक्ति का वास्तविक संस्थापक फ्रेंच शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था भारत में तो फ्रेंच शक्ति का भारत में वास्तविक संस्थापक डुपले को माना जाता है और इसी ने सबसे पहले भारत में सहायक संधि को स्टार्ट किया था वेले जली की तुलना में बहुत पहले चंद्रनगर क्या था दोस्तों क्या बताना है आपको आपको चंद्रनगर बताना है कि चंद्रनगर क्या है बताइए भाई बढ़िया सवाल है तो आपको सबसे पहले तो बता दें कि बंगाल में था चंद्रनगर और बंगाल में ये जो चंद्रनगर था ये अंग्रेजों सॉरी फ्रांसीसियों के कब्जे में था किसके फ्रांसीसियों के कब्जे में था और मैं देख पा रहा हूं कि लल्ला एकदम सही आंसर दिया भाई शिवा शानदार आरती जबरदस्त भाई प्रिया चले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार कब खो दिया यह बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला सवाल है और खास करके जब विकल्प में 1813 और 1833 दोनों दिया हो तब तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है भाई एकदम भाई कविता, हाँ भाई एकदम कविता अरुण स्वागत है तो देखिए एक बात में में एकाधिकार एक समाप्त किया गया था यहां पर यहां दोनों में ही इसके तहत भी एकाधिकार समाप्त हुआ इसके तहत भी एकाधिकार समाप्त हुआ लेकिन यहां पर क्या था यहां पर चाय और चीन चाय और चीन को छोड़कर चीनी नहीं चाय और चीन मतलब यह है कि आप समझ अच्छा एक बात है कि कई लोग समझ नहीं पाते हैं एकाधिकार का मतलब समझ रहे हैं मतलब यह है कि अगर हम कह रहे हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार का एकाधिकार था इसका मतलब यह है कि ब्रिटेन में ब्रिटेन की ब्रिटेन में यही एक कंपनी थी जिसको भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार था समझ रहे हैं इसको एग्जाम्पल के तहत ऐसे समझिए कि जैसे भारत सरकार रिलायंस को नेपाल में व्यापार करने का एक अधिकार दे दे समझिए भारत सरकार नेपाल को सॉरी ah, रिलायंस को नेपाल में व्यापार करने का एकाधिकार दे दे तो इसका मतलब यह होगा कि नेपाल में व्यापार भारत की अगर कोई कंपनी कर सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ रिलायंस है समझ रहे हैं तो उसी प्रकार से अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार प्राप्त था तो इसका मतलब कि ब्रिटेन की अगर कोई कंपनी व्यापार कर सकती थी भारत में तो वह केवल केवल ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो 1813 में कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी को भैया जो चाय का व्यापार है जहां कहीं भी हो रहा है और चीन में जो व्यापार हो रहा है उस पर आपका एक अधिकार बना रहेगा बाकी सब समाप्त किया जाता है ठीक है तो अगर आप देखेंगे तो पूर्णतः कब समाप्त किया गया तो पूर्णतः समाप्त किया गया अठारह में समझ गए तो इसका मतलब यह है कि इस क्वेश्चन में स्पष्ट करना चाहिए था कि क्या करना है आंशिकता समाप्ति तेरह में पूर्णतः समाप्ति तैंतीस में ठीक है लेकिन पूर्णतः समाप्ति तैतीस में हुई इसलिए मैं 33 को ही आंसर प्रेफर कर रहा हूं ठीक है वही एकदम आइए देखा जाए भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहां थी दोस्तों और इस सवाल का जवाब बिल्कुल सभी को पता होना चाहिए क्योंकि याद करिए भाई पंकज कि अभी रेलवे में भी क्वेश्चन पूछा था कि भारत का पहला नगर निगम कहां स्थापित हुआ था तो भारत का पहला नगर निगम कहां स्थापित हुआ यहीं पर स्थापित हुआ था दोस्तों मद्रास में ही ठीक है जिसे आज के समय में आप क्या कहते हैं जिसको आज के समय में आप चेन्नई के नाम से जानते हैं ठीक है भैया और याद करिए कि कलकत्ता नगर निगम की स्थापना कब हुई थी तो कलकत्ता नगर निगम की स्थापना हुई थी कब अठारह में छिहत्तर में अठारह सो छिहत्तर में यह रहा एक और शानदार सवाल भाई चले बिल्कुल शानदार अल्बुकर्क ने गोवा कब्जा कहां से किया था आप जानते हैं अल्बुकर्क कौन है अल्बुकर्क दोस्तों दूसरा पुर्तगाली वायसराय है जी हाँ दूसरा पुर्तगाली वायसराय है और भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक है दूसरा पुर्तगाली वायसराय है क्या है दूसरा पुर्तगाली वायसराय है पहला कौन था भैया अगर यह दूसरा था दोस्तों तो पहला कौन था अगर यह दूसरा है तो पहला कौन था तो पहला था दोस्तों कौन अलमेणा कौन था पहला पहला था अल्मेड़ा जी हाँ और अल्मेड़ा ने क्या किया था अल्मेड़ा जो कि पहला वायसराय था इसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी क्या किया था ब्लू वाटर पॉलिसी अडॉप्ट की थी ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी जिसको नीले पानी की नीति कहते हैं क्या कहते हैं नीले पानी की नीति कहा जाता है लेकिन नीले पानी की नीति मतलब या इसको हम शांत जल की नीति भी कह सकते हैं तो इसने शांत जल की नीति अपनाई का मतलब हो गया कि यह लड़ाई झगड़ा नहीं करता था ठीक है शांतिपूर्वक केवल व्यापार करने पर फोकस करता था लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी अल्बुकर्क की तो अल्बुकर्क ने क्या किया सीधा सीधा बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह पर बीजापुर के किस शासक पर यूसुफ आदिल शाह पर हमला करके क्या किया गोवा को जीत लिया तो बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता था कब जीता था 1510 में जीता था अगर आपसे कहा जाए दोस्तों एक सवाल का जवाब दीजिएगा मैं देखना चाहता हूं आप में से कौन कौन बता सकता है भारत में पुर्तगाली राज्य की नींव कब पड़ी पुर्तगाली राज्य की नींव कब पड़ी बताइए पुर्तगाली राज्य भारत में पुर्तगाली राज्य की नींव कब पड़ी कौन बताएगा भारत में पुर्तगाली राज्य की नींव कब पड़ी क्या बात है भाई युक्ति और लल्ला दोनों लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है आरती और पवन और एकदम बिल्कुल सही जवाब दिया है भाई राजन एकदम पंद्रह 1510 दस होगा क्यों क्योंकि सौ नहीं देंगे क्योंकि गोवा को जीता तब तो स्थापित हुआ ठीक है चलिए आगे बढ़ा जाए कर्नाटक का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था बिल्कुल बिल्कुल और कई बार यह सवाल पूछा जाता है क्या जानते हैं कई बार यह सवाल पूछा जाता है कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच चले बीस वर्षों के लंबे संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है और मैक्सिमम लोगों का आंसर एकदम सही आया है तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच बिल्कुल भाई विमलेश प्रियांशी अमृत नीलेष अरुण अनिश प्रीति बिल्कुल भाई खुशी शानदार अब देखना दोस्तों कर्नाटक के युद्ध कितने हुए थे तो कर्नाटक के युद्ध हुए थे तीन कितने हुए थे तीन पहला हुआ था कब सत्रह से अड़तालीस में दूसरा हुआ था कब दूसरा हुआ था सत्रह उनचास से चौवन में दोस्तों जी हां और तीसरा हुआ था कब तीसरा हुआ था सत्रह सो सत्रह सौ छप्पन से सत्रह छप्पन से सत्रह सो तिरसठ में तो ये तीन कर्नाटक के युद्ध हुए ठीक है और एकदम याद रखना है बहुत शानदार था ठीक है बिल्कुल बिल्कुल लल्ला आएंगे अभी आएंगे ठीक तो यह संघर्ष लगभग बीस वर्षों तक चला था ठीक चलिए बताइए फटाफट हाँ हाँ भाई पवन हाँ बिल्कुल भाई प्रिया एकदम सही कहा सवाल एक निम्नलिखित में से घटना अनुसार कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य है अब भाई कई लोगों के हाथ पांव फूल जाएंगे भाई हाँ भाई युक्ति वहा शानदार तरीके से आंसर आना चाहिए तो देखिए सबसे पहले यह समझिए कि जो प्लासी का युद्ध है यह सत्रह में हुआ ठीक है वाणी का युद्ध कब है सत्रह में हुआ ठीक है है हाँ ना इसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ कब सत्रह में हुआ तो हा बात तो सही है यही आंसर है अब इन तीनों युद्धों का महत्व क्या है अगर आप प्लासिक युद्ध की बात करें तो यहां पर क्या होता है पता है इसका इसका परिणाम क्या हुआ ब्रिटिश राज की नींव पड़ी क्या पड़ी भाई ब्रिटिश राज की नींव पड़ी अब जरा ध्यान दीजिएगा यह जो बक्सर का युद्ध है इससे क्या हुआ इससे दोस्तों ब्रिटिश राज की स्थापना हुई दोनों में बहुत बड़ा फर्क है ब्रिटिश राज की स्थापना हुई तो जरा इन फर्क को इस फर्क को समझ कर चलेंगे इस फर्क को समझ कर चलेंगे यहां पर ब्रिटिश राज की नींव पड़ी है यहां पर ब्रिटिश राज की स्थापना हुई है समझ रहे हैं और वांडीवास का युद्ध क्या है वांडीवास के युद्ध में भारत में फ्रांसीसियों का पतन है ना भैया क्या भारत में फ्रांसीसियों का पतन भारत में फ्रांसीसियों का पतन भारत में फ्रांसीसियों का पतन हो गया क्यों भाई क्योंकि 1760 में लड़े गए वांडीवास के युद्ध में वांडीवास के युद्ध में आयर कूट के नेतृत्व वाली इस लाइन को ध्यान से सुनना भाई वांडीवास के युद्ध में आयर कूट के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना ने लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को कूट कूट कर लाल कर दिया कूट कूट कर लाल कर दिया ध्यान से सुना हमने क्या कहा हमने कहा कि वांडीवास के युद्ध में आयरकूट के नेतृत्व तो वाली आयरकूट के नेतृत्व तो वाली अंग्रेजी सेना ने लाली के नेतृत्व तो वाली फ्रांसीसी सेना को कूट कूट कर लाल कर दिया ऐसे याद करेंगे तो आपको यह याद हो जाएगा कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयर कूट ने किया था जिसने कूटा एकदम ताबड़ तोड़ कूटा और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली ने किया था कैप्टन लाली जिसको मार मार कर अंग्रेजों ने लाल कर दिया लहू बहा दिया एकदम भैया बिछा दिलाते है <laughs> ना भाई हाँ तो ये जुगाड़ है याद करने का और हाँ का जीके अंदाज है खोपड़िया में घुसता जरूर है निकलता नहीं खे है <laughs> चलिए आगे बढ़ा जाए हाँ <laughs> अब देखो भाई अब देखो एक बात ये भी बताए कि ये याद रखना कि ये स्थापना पूछे तो ये बताना और न्यू पूछे तो ये बताना ठीक है भैया हाँ भाई ऋषभ हाँ हाँ क्या हाल कर दिया सर वो भी बता दीजिए <laughs> हाँ भैया जय एन वालों को भूल गए नहीं भैया अजय कहा भूल जाएंगे एन वालों को भूले नहीं है एन के सैकड़ों बच्चे हैं जो सेलेक्ट हुए उन्होंने कॉल करी उन्होंने मैसेजेस करे उन्होंने बताया कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया और उनसे मुलाकात का इंतजाम करना शुरू हो गया है एमडी क्लासेस की तरफ से और अगले महीने एमडी क्लासेस की पूरी टीम एन के सेलेक्टेड बच्चों और अन्य जो भी बच्चे हैं आप में से जो भी हैं सबसे मुखातिब होने के लिए एकदम भाई एकदम लालाई थे बिल्कुल <laughs> बंबई दहेज में किसे मिला था अरे वाह छोटा मोटा दहेज था पूरा पूरा का दहेज में दे दिया है ना और यहां लोग चीज दहेज में लेते हैं है? खैर दहेज लेना ही नहीं चाहिए देखिए राइट आंसर क्या है दोस्तों तो ये राइट आंसर है ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को मामला क्या था मैं आपको बताता हूं तो दोस्तों पुर्तगाल की एक राजकुमारी थी कहा कि पुर्तगाल की एक प्रिंसेस थी जिनका नाम था दोस्तों कैथरीन क्या नाम था कैथरीन और ब्रिटेन के सम्राट थे जिनका नाम क्या था चार्ल्स हुआ था 1661 में इनका हुआ. है? तो पुर्तगालियों ने क्या किया पुर्तगालियों ने ये जो बंबई है इसको दहेज में दे दिया ठीक है भैया दहेज में दे दिया अब सुनो अगली बात यह है कि जब चार्ल्स द्वितीय को यह बंबई दहेज में मिल गया तो इस बंबई को इन्होंने सोलह में 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां पर अपनी फैक्ट्री सोलह में लगाई बात समझ में आई कुछ क्या कहना चाह रहे हैं हम कहना यह चाह रहे हैं कि कहना यह चाह रहे हैं कि विवाह हुआ सोलह में किराए पर दिया सोलह में और यहां फैक्ट्री बनी सोलह सत्तासी में आप कहोगे गुरु जी कितना याद करें तो हम कहेंगे बच्चा कम से कम ये याद कर लेना कि यहां फैक्ट्री कब बनी थी समझ गए गई भैंस पानी में <laughs> चलो ये देखो बंगाल सूबे का अंतिम गवर्नर कौन था जिसे मुगल बादशाह ने नियुक्त किया था और मैं आपको एक हिंट देता हूं कि जो इसका जवाब है वही बंगाल में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक भी है बंगाल में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन तो बंगाल में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन दोस्तों मुर्शिद कुली खां कौन मुर्शिद कुली खां जी हाँ तो भैया बंगाल सूबे का अंतिम गवर्नर जो मुगल बादशाह ने नियुक्त किया वो मुर्शिदुली खां खा था और याद करिए इसी ने तो एक शहर बसाया था मुर्शिदाबाद क्या दोस्तों मुर्शिदाबाद इसने बसाया था और यही मुर्शिदाबाद इसकी क्या हुआ करती थी राजधानी भी हुआ करती थी यही मुर्शिदाबाद इसकी राजधानी भी हुआ करती थी समझ गए भाई एकदम तो बहुत बढ़िया सवाल है चलिए आगे बढ़ा जाए और आपको बता दें मुर्शिद कुली खां यहां पर पहला नवाब हुआ इसके बाद इसका बेटा हुआ सरफराज खां इसके बाद अलीवर्दी खां यहां पर तीसरा नवाब हुआ फिर इसके बाद यहां पर चौथा नवाब हुआ सिराजुद्दौला ठीक है सरफराज खान दूसरा हुआ ठीक है अगर बंगाल के नवाबों की बात करें तो पहला मुर्शिद कुली खां है दूसरा सरफराज खां है तीसरा अलीवर्दी खां है और चौथा सिराजुद्दौला है और उसके बाद पांचवा पांचवा हो जाएगा आपका मीर जाफर ठीक है चलिए उसके बाद मीर कासिम समझिए भैया हाँ ओ भाई ऋषभ आराम से जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है वो तो जवाब दे ही लेंगे ना हाँ। चलिए तो आगे बढ़ा जाए दोस्तों तो शादी विवाह सब कुछ हो गया है बढ़िया है शानदार है बताइए किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को वह शाही फरमान जारी किया जिसने उसे तीन सौ रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी मैं आपको बताऊं इसमें एक चीज खास है क्या भाई मोनी जी ध्यान दीजिएगा कि मुगल बादशाह कौन सा मुगल बादशाह सबसे पहला सवाल तो यही है कि, कि किस मुगल बादशाह ने तो यह सवाल पूछा जाता है तो मुगल बादशाह उस समय था दोस्तों फर्रुख शियर दरअसल मैं आपको अगर मैं पूरी बात बताऊं तो जो फर्रुख शियर है जिसको कहा जाता है घृणित कायर क्या कहा जाता है इसको इसको घृणित कायर कहा जाता है तो फर्रुख शियर एक बार बड़ी भयानक बीमारी से जूझ रहा था ठीक है खतरनाक बीमारी से जूझ रहा था उसी समय एक ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल एक ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल इससे मिलने आया एक ब्रिटिश प्रतिनिधि पूरी बात सुनिएगा मजा आ जाएगा आप भी कहोगे वाह ये चले थे महाकाल बनने एक ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल उस समय फर्रुख शियर से मिलने आया जिस समय फरुख शियर बहुत भयंकर बीमार था और ये जो ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल आया था इसको लीड कर रहा था जॉन सुरमन और इसमें एक डॉक्टर था जिसका नाम था डॉक्टर हैमिल्टन तो ये जो डॉक्टर हैमिल्टन है इसने क्या किया डॉक्टर हैमिल्टन ने फर्रुख शीयर का कर दिया इलाज फर्रुख शीयर का क्या कर दिया इलाज कर दिया तो जैसे ही डॉक्टर हेमिल्टन ने फर्रुख शीयर का इलाज कर दिया अब बादशाह तो बादशाह वो खुश हो गया कि वाह 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 बड़ा अच्छा काम किया तो फर्रुख शीयर ने कहा मांगो क्या मांगते हो तो अंग्रेजों ने जो जो मांगा फर्रुख शेयर ने शाही फरमान के माध्यम से दे दिया यह कब की बात है 1717 की बात है तो आपसे सवाल क्या आता है पता है? आपसे सवाल यह आता है कि 1717 का शाही फरमान किसने जारी किया था फर्रुख शियर ने और क्या सवाल आता है आपसे यह पूछा जाता है कि भाई इस शाही फरमान के बदले में कितना रुपए मात्र तीन हजार रुपए के बदले में टैक्स फ्री व्यापार की अनुमति मिल गई और जरा एक बात ध्यान से सुनिएगा इसी शाही फरमान की वजह से अंग्रेज है ना इसी शाही फरमान की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी मजबूत हो गई कि वो भारत को अपने कब्जे में लेकर हुकूमत करने के लिए अपने आप को एकदम तैयार समझी ठीक है और यही कारण है दोस्तों कि इस इस शाही फरमान को क्या कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा क्या कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है समझ गए चले आगे तो यह आपके लिए बहुत जरूरी है भाई यादव जी चले आगे पढ़ा जाए <laughs> हां अंग्रेजों ने आधुनिक कलकत्ता की स्थापना कब की थी यह तो आप जानते हैं कि जॉब चौरनौक ने बसाया था लेकिन अभी आपको यह बताना है कि स्थापना कब की गई थी आपको वर्ष बताना है और आपको बता दें कि भैया स्थापना इसकी की गई थी 1690 में लेकिन यहां पर फैक्ट्री कब बनी थी पता है यहां पर फैक्ट्री बनी जाकर सोलह में ठीक है तो 1690 में है ना स्थापना हुई और सोलह में फैक्ट्री बनी यह डिफरेंस है और मैं देख पा रहा हूं कि योग्या शशिकांत तो वहाब देशी छोरा अरे बहु सही भाई वहाब शानदार भैया एकदम भाई सुरेश चलो यह बताइए यह घटना बड़ी मतलब हमको बड़ी ठंडक कलेजे को ठंडक देने वाली घटना थी इस घटना में क्या हुआ था पता है इस घटना में मैं आपको बताऊं तो मामला यह था कि सबसे पहले आप समझिए कि जैसे मैं आपको एक मैप के माध्यम समझाता हूं यहां पर जो बंगाल था तो यहां पर एक था चंद्रनगर ठीक है भैया अब पूरी बात समझना यहां पर चंद्रनगर था अब चंद्रनगर किसके कब्जे में था आप जानते हैं कि फ्रांसीसियों के कब्जे में था मतलब फ्रांसीसी फैक्ट्री यहां पर थी कब्जे में नहीं था और यहीं पर एक था कलकत्ता और यह कलकत्ता जो है यह किसके अधिकार मतलब किसका किसकी फैक्ट्री यहां पर थी यहां पर अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री थी, थी। ठीक है भैया और यहां पर था आपका नवाब कौन है भाई नवाब कौन बंगाल का नवाब मामला क्या हुआ पता है मामला यह हुआ कि इसी समय क्या हुआ कि यूरोप 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 में यूरोप में 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 पर भाई भाई फ्रांस भी पड़ता है और ब्रिटेन या इंग्लैंड भी यूरोप में पड़ता है, है तो यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में यूरोप में युद्ध शुरू हो गया जब यूरोप में युद्ध शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने कलकत्ते की किलेबंदी और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की क्या करनी शुरू करी किलेबंदी शुरू करी ठीक है तो किलेबंदी शुरू कर दी जब यह खबर जब यह खबर नवाब सिराजुद्दौला को लगी जब यह खबर नवाब सिराजुद्दौला को लगी तो सिराजुद्दौला ने दोनों को मना किया अंग्रेजों को भी मना किया और फ्रांसीसियों को भी कि तुम हमारे साम्राज्य के अंतर्गत कोई किला नहीं बना सकते क्योंकि तुमने फैक्ट्री खोली है तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है यहां पे तुम किला बनाओगे ठीक है किला नहीं बना सकते तुम मना किया तो सिराजुद्दौला ने जब मना किया तो फ्रांसीसी तो मान गए फ्रांसीसी मान गए कि ठीक है नहीं बनाएंगे ठीक है फ्रांसीसी मान गए ये नहीं माने ये अंग्रेज नहीं माने इन्होंने किलेबंदी करनी जारी रखी तो जब इन्होंने किलेबंदी जारी रखी तो मजबूरन सिराजुद्दौला ने क्या किया इन पर हमला कर दिया किस पर अंग्रेजों पर हमला कर दिया और अंग्रेजों पर हमला करके कलकत्ता पर अधिकार कर लिया कलकत्ता पर हमला करके अधिकार कर लिया हमला करके अधिकार कर लिया और हमला करके जब अधिकार किया तो सबसे पहले कि जो अंग्रेज जान बचाकर भागे वो तो भागे लेकिन इसी दौरान 146 अंग्रेजों को बंदी बना लिया 146 अंग्रेजों को बंदी बना लिया 146 अंग्रेजों को बंदी बना लिया और कलकत्ता का नाम बदलकर क्या कर दिया कलकत्ता का नाम बदलकर अली नगर कर दिया कलकत्ता का नाम बदलकर क्या कर दिया अली नगर कर दिया और ये जो 146 अंग्रेज बंदी बनाए गए थे इनको उठाकर एक काल कोठरी में ठूस दिया एक काल कोठरी में ठूस दिया बंद कर दिया कहते हैं कि बड़ी छोटी सी कोठरी थी बड़ी छोटी सी कोठरी थी और गर्मी का महीना था बड़ी छोटी सी कोठरी थी गर्मी का महीना था और एक अंग्रेज उसी छोटी सी कोठरी में थूस थूस कर भर दिए गए थे तो भैया इनको जब अगले दिन दरवाजा खोला गया जब अगले दिन दरवाजा खोला गया तो पता चला कि एक मर गए हैं ठीक है एक मर गए हैं ठीक है तो इसी को कहा जाता है क्या काल कोठरी की घटना या इसी को कहा जाता है क्या ब्लैक होल की घटना किसके समय में हुई सराजुदौला के समय में हुई और इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी कौन था इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी मतलब किसने इस घटना के बारे में बताया है तो एक अंग्रेज है जिसका नाम है हालवेल क्या नाम है इसका हालवेल ब्लैक होल का हाल खराब हो गया है ना हालवेल का हाल जो है ब्लैक होल में खराब हो गया भैया ठीक मजा आया शानदार है चलिए तो कंसेप्ट एकदम जबरदस्त है और इसके बाद ही इसी के बाद इसी के बाद तो अंग्रेजों ने फिर प्लास्टिक का युद्ध लड़ा और भाई दौला हार गए समझ रहे हैं हाँ, हाँ, हाँ। नहीं नहीं चलिए इसमें कोई इतिहासकार नहीं था बताइए बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है गजाब का था भैया अरे भाई वी एन गेमिंग जी धन्यवाद धन्यवाद बिल्कुल तो भैया बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है दोस्तों जिस समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला आपको बताएं जो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था इसकी बेटियां तो तीन थी लेकिन बेटा कोई नहीं था ठीक है इसकी लड़कियां तो तीन थी लेकिन लड़का कोई नहीं था तो अब सिराजुद्दौला की बड़ी समस्या यह थी है ना यह सिराजुद्दौला की एक बड़ी समस्या अच्छा सिराजुद्दौला की नहीं ये अलीवर्दी खां की बात है अलीवर्दी खां जो है कौन अलीवर्दी खां अलीवर्दी खां जो है इसके कोई बेटा नहीं था इसकी तीन बेटियां थी ठीक है तो अब इसकी समस्या यह थी कि जब बेटा नहीं है तो उत्तराधिकारी कौन होगा तो इसने क्या किया कि अपने पोते, आ, नाती था इसका दौहित्र था कौन इसका दौहित्र था दोस्तों सराजुद्दौला कौन था दौहित्र सॉरी सराजुद्दौला था कौन था इसका दौहित्र कौन था सराजुदौला था तो यह हुआ यह कि मरने से पहले मरने से पहले अलीवर्दी खान ने सिराजुद्दौला को यह कहते हुए समझाया था क्या कहा था इससे कहा था कि बेटा ये जो यूरोपीय है ये मधुमक्खियों की तरह है इनसे जब तक उलझोगे नहीं जब तक उलझोगे नहीं तब तक ये शहद देंगे और अगर उलझोगे तो मधुमक्खियों की तरह डंक मार मार के मार डालेंगे समझ गए ये याद करना ठीक है भाई तो बिल्कुल याद करना है ये वर्दी खां के ना नाती थे सराजुद्दौला मतलब दौहित्र थे और अलीवरदी खान ने सराजुद्दौला से ये बात कही थी ठीक चलिए अच्छा भैया आतीश बहुत बहुत आशीर्वाद हाँ भाई अरुण आरती लाडो हाँ हाँ बिल्कुल भाई जिते शानदार लल्ला बताओ सन सत्रह में सिराजुद्दौला को पराजित किया था किसने पराजित किया था अब याद करो भाई सत्रह में जो प्लासी का युद्ध हुआ इसमें एक तरफ कौन था भाई एक तरफ तो आपका सिराजुद्दौला था एक तरफ सिराजुद्दौला था और दूसरी तरफ कौन था तो एक तरफ सिराजुद्दौला है दोस्तों और दूसरी तरफ अंग्रेज है ठीक है दूसरी तरफ अंग्रेज है अब यहां पर यह जानना है कि अंग्रेजी सेना जो है यह अंग्रेजी सेना जो है यह रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में थी किसके रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में थी और यह सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था मीर जाफर था आपको बताएं कि यह जो मीर जाफर है यह सिराजुद्दौला का न केवल सेनापति था बल्कि उसका दामाद भी था ठीक है तो मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति और दामाद दोनों था रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया मीर जाफर को बहलाफ रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को नवाब के पद का लालच दिया रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को समझाया कि तुम यार सेनापति हो अरे तुम हमारा साथ दो हम तुम्हें नवाब बना देंगे ठीक है तो बस फिर क्या था प्लासी के मैदान में कहा जाता है कि जब युद्ध शुरू हुआ तो मात्र दो घंटे में युद्ध समाप्त हो गया भारत के इतिहास का सबसे कम समय में समाप्त तो होने वाले युद्धों में से एक था और कहा जाता है कि जितने लोग इस युद्ध को लड़ नहीं रहे थे उससे ज्यादा लोग खड़े होकर देख रहे थे आपको बक्सर के युद्ध में मिलेगा याद रखेंगे लीड करेगा तो याद रखेंगे ठीक है एक है हेक्टर मुनरो एक है टॉमस रो कौन है टॉमस रो और एक है कौन एक और याद करिए भाई हेक्टर मुनरो टॉमस रो और एक है टॉमस मुनरो कौन भैया टॉमस मुनरो अब इन तीनों में डिफरेंस पता है आपको ये, ये तीनों इंपॉर्टेंट है हाँ ये तीनों इंपॉर्टेंट है <laughs> नहीं, युद्ध हुआ था युद्ध हुआ था ऐसा नहीं है कि युद्ध नहीं हुआ था हेक्टर मुनरो कौन था यह बक्सर के युद्ध में इसी ने लीड किया था कौन से युद्ध में बक्सर के युद्ध में जो ब्रिटिश सेना को लीड किया था सत्रह में इसी ने लीड किया था टॉमस रो कौन है टॉमस रो सोलह सो टॉमस रो सोलह सो में आया ब्रिटिश यात्री था ठीक है और टॉमस मुनरो कौन है तो मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू करने वाला मुनरो ही था, मुनरो ही था, है ना टॉमस मुनरोना टॉमस याद रखेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था ठीक है भैया किसने स्थापित करी टॉमस मुनरो ने समझ गए हाँ तो ये तीनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए और एक साथ याद करेंगे तभी डिफरेंस याद भी रहेगा नहीं तो भूल जाएंगे ठीक है भैया अभिषेक राहुल राजवीर वहाब अभिषेक चलिए भाई बढ़िया सवाल है मराठा शक्ति के संस्थापक शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था और याद करने में तनिक भी दिक्कत नहीं होगी है ना अच्छा कहीं कहीं थॉमस लिखा रहता है कहीं कहीं थॉमस लिखा रहता है कोई दिक्कत नहीं है थॉमस मुनरो कहिए या थॉमस मुनरो कहिए हा अरे क्या बात है एक भाई साहब का कमेंट आ रहा है जब दिल ही टूट गया तो जी के पढ़ के क्या करेंगे अरे जब दर्द ना हो सीने में तो खाक मजा आए जीने में <laughs> चल तो मराठा शक्ति के संस्थापक भैया कहां पर जन्म हुआ था इनका शिवनेरी दुर्ग में अब देखो याद करने में कहीं समस्या होगी क्या कोई समस्या नहीं होगी देखिए शिवाजी अब दरअसल में मामला क्या है कि इनका नाम शिवाजी पड़ा क्यों तो इनका नाम शिवाजी इसीलिए पड़ा क्योंकि शिवनेर दुर्ग में इनका जन्म हुआ था अब इस दुर्ग का नाम शिवनेर क्यों पड़ा क्योंकि ये जो दुर्ग है इस दुर्ग में इस किले में शिवनेरी माता का मंदिर था किस माता का शिवनेरी माता का मंदिर था बात समझ रहे तो शिवनेरी माता के मंदिर की वजह से इस किले का नाम पड़ा शिवनेरी किला और इसी में जन्म लेने वाले बच्चे का नाम पड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज राजे ठीक है भैया हाँ बिल्कुल बिल्कुल वीर शिवाजी तो दोस्तों याद रखेंगे और सुनिए ऐसा ही एक सवाल आगे भी है कि शिवाजी की मृत्यु तथा राज्य अभिषेक कहां हुआ था <laughs> बताइए भाई फटाफट बताएंगे भाई लाडो लल्ला शिवा जितेंद्र सपना आह जल्दी जल्दी आंसर बताओ नहीं तो रात में सपना आएगा <laughs> बताइए तो दोस्तों शिवाजी की मृत्यु शिवाजी ने अपना राज्यभिषेक और मृत्यु दोनों देखिए रायगढ़ में इनका इनका राज्यभिषेक हुआ था कब सोलह में और राज्यभिषेक के बाद ही इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी और यहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी सोलह में तो क्या आपको पता है कि इनकी मृत्यु ज्वर से हुई थी क्या आपको पता है इनकी मृत्यु किससे हुई थी इनकी मृत्यु दोस्तों ज्वर से हुई थी कैसे हुई थी ज्वर से इनकी मृत्यु हुई थी अच्छा कोई बता सकता है कि किसकी मृत्यु धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने से हुई थी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने से किसकी मृत्यु हुई थी बताइए जरा कौन बताएगा धनुष पर प्रत्यंचा प्रत्यंचा चढ़ाने से मृत्यु धनुष पर प्रत्यंचा का मतलब समझ रहे हैं ना अभी कल ही मैं महाभारत देख रहा था तो कर्ण अपने सारथी मद्र साल्व से कहता है जब अर्जुन के साथ उसका युद्ध चल रहा होता है तो कर्ण कहता है कि देख रहे हैं साल्व वाकई में अर्जुन वीर योद्धा है मेरे तीर मेरे दूसरा तीर चलाने से पहले अपने धनुष की प्रत्यंचा बदल लेता है तो वाकई में लेकिन कर्ण तो फिर कर्ण ही था चलिए तो भैया महाराणा प्रताप बिल्कुल सही बताया महाराणा प्रताप बिल्कुल भाई शिवा शिवाजी ने छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था एकदम बढ़िया सवाल है और जबरदस्त सवाल है हा भाई ओ भाई पवन क्या <laughs> भाई चलो ध्यान दो तो भैया इसका राइट आंसर क्या है सलहार का युद्ध क्या है सलहार का युद्ध ये कब लड़ा गया था सोलह में युद्ध लड़ा गया था कब सोलह में ये में युद्ध लड़ा गया था और वो देखो ए बता रहे हैं ज्यादातर लोग अच्छा मोनी जी का आंसर एकदम सही है क्या बात है भाई यज्ञा कुमार गोस्वामी गजब गजब यज्ञ कुमार ठीक है गजब शानदार छा गए भाई छा गए भाई दिनेश एकदम देखिए अगला सवाल पुरंदर की संधि सोलह ईस्वी में किसके बीच हुई थी चलिए फटाफट फ़ड़ बताएंगे और सभी का आंसर एक तरफ से आना चाहिए और इस क्वेश्चन के आंसर के बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक पुरंदर की संधि और है एक और पुरंदर की संधि है जो 1776 में हुई थी जिसे आप पुरंदर की दूसरी संधि भी कह सकते हैं और बिल्कुल भाई हा एकदम बढ़िया सवाल है भैया और राइट आंसर क्या है इसका इसका राइट आंसर है शिवाजी और जयसिंह अब जरा ध्यान देना कि दरअसल में हुआ क्या था कि जिस समय यह समझौता हुआ था उस समय मुगल शासक कौन था औरंगजेब था कौन था मुगल शासक औरंगजेब था और शिवाजी के, थे? थे. थे? थे. के बीच में ये पुरंदर की संधि हुई जिसके तहत पूरी बात सुनना जिसके तहत शिवाजी को अपना आधे से अधिक राज्य औरंगजेब को देना पड़ा आधे से अधिक राज्य औरंगजेब को देना पड़ा ठीक है और इसके अलावा इसके अलावा इनको मतलब शिवाजी को औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा जाना पड़ा कहाँ जाना पड़ा आगरा दरबार जाना पड़ा ठीक है भैया ये शर्त थी तो जब शिवाजी आगरा पहुंचे औरंगजेब से मिलने के लिए तो वहां पर शिवाजी को बंदी बना लिया गया अब आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि पुरंदर की संधि के बाद शिवाजी को बंदी बनाकर औरंगजेब ने कहा रखा था ठीक है तो याद रखना रखा था जयपुर भवन में कहां पर रखा था जयपुर भवन में गिरफ्तार करके या नजरबंद करके रखा था और जयपुर भवन था कहां यह याद रखिएगा आगरा में था कहां पर था जयपुर भवन आगरा में था तो यह याद रखेंगे जयपुर भवन में था आगरा में अच्छा यह बताइए कि पुरंदर की संधि सोलह में हुई वो तो ठीक है कोई बता सकता है कि सत्रह में पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुई थी भैया किसके किसके बीच हुई थी भाई अरुण बाबू फटाफट बताएंगे <laughs> हा बिल्कुल नहीं नहीं अरे भाई बिल्कुल जुड़े रहिए आपकी सफलता हमारा लक्ष्य है और आप बस लगे रहिए वो कहते हैं ना कि वीर तुम बड़े चलो हम तुम्हारे साथ हैं और बिल्कुल रहेंगे जबरदस्त तरीके से तो सत्रह में पुरंदर की संधि जो हुई थी यह हुई थी उस समय के पेशवा माधव नारायण राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ठीक है भैया तो सत्रह में पुरंदर की संधि हुई थी पहले एंग्लो मराठा वॉर के दौरान समझ गए हाँ भाई मोनी जी बिल्कुल रिवीजन करिए शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे देखिए दादाजी कौन देव तो राजनीतिक गुरु थे दोस्तों दादाजी कौन देव जो है ये राजनीतिक गुरु थे शिवाजी के और ये शिवाजी के पिताजी शाहजी भोसले के मित्र भी थे ठीक है और तुकाराम तो भैया एक भक्ति संत थे है ना एक भक्ति संत थे भक्ति आंदोलन के संत मान लीजिए ठीक है पूछा जाता है किसके समकालीन थे तो राइट आंसर क्या है रामदास रामदास का पूरा नाम है समर्थ रामदास ठीक है भाई हां भाई सोमेश वहाब मोनी प्रीति प्रयांश चंदन शक्तिकांत लल्ला शानदार देखो अष्ट प्रधान किस राजा से संबंधित है अब देखो अब आपको लग रहा होगा क्वेश्चन आसान है लेकिन इसके माध्यम तो 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 से संबंधित है यह सबको पता है लेकिन क्या आपको पता है कि अष्ट प्रधान का विघटन किसके समय में हुआ अगर यह सवाल पूछेगा तो क्या बताओगे अष्ट प्रधान का विघटन हुआ था संभाजी महाराज के समय किसके समय संभाजी महाराज के समय और संभाजी कौन थे तो ये शिवाजी के सुपुत्र थे ठीक है तो विघटन हुआ था प्रधान का संभाजी के समय में क्योंकि संभाजी के समय में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो मिस अंडर प्रधान के मंत्रियों और संभाजी के बीच अब देखिएगा अगर आपसे कहा जाए कि एक नया पद एक नया पद भाई दो नए पद बने थे एक नया पद बना था प्रतिनिधि नया पद प्रतिनिधि किसने बनाया था और दूसरा आपको बताना है कि सेना करते नाम का नया पद किसने बनाया था ये दोनों सवाल आते हैं ठीक है अब देखिएगा जब संभाजी के समय में अष्ट प्रधान का विघटन हो गया तो संभाजी ने एक नया पद बनाया और उस नए पद का उस नई पोस्ट का नाम क्या था प्रतिनिधि ठीक है और सेनाकर्ते का पद किसने बनाया था यह बनाया था साहू जी महाराज ने किसने साहू जी महाराज ने बनाया था और आपको बता दें कि ये जो साहू जी महाराज हैं संभाजी के पुत्र थे संभाजी के पुत्र थे कौन महाराज ठीक सा नया पद किसने बनाया की थी भैया पेशवा वंश की स्थापना किसने की थी, की किसने की थी? आपको बताना है दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मराठा साम्राज्य दो भागों में बटा हुआ है मराठा साम्राज्य दो भागों में बटा है एक छत्रपति कालीन मराठा साम्राज्य और दूसरा पेशवा कालीन मराठा साम्राज्य तो पेशवा कालीन मराठा साम्राज्य किसने स्टार्ट किया था क्या बात है भाई चंदन दिनेश विद्या शानदार एकदम भाई कैसे काम चलेगा बालाजी विश्वनाथ एकदम भाई बिल्कुल सी इज द राइट आंसर तो चंदन का आंसर ठीक है और किसका किसका आंसर सही है भाई ओ भाई आंसर बदल लियो कहां कैसे काम चलेगा तो राइट आंसर क्या है बालाजी विश्वनाथ क्या बालाजी विश्वनाथ अच्छा एक बात और बताएं जो बालाजी विश्वनाथ है ये यहां पर हमने आपको बताया था ना कि करते का पद किसने बनाया था तो सेना जो पद देख रहे सेनाकर्ते साहू जी ने बनाया था और इस सेना करते के पद पर सबसे पहले किसे नियुक्त किया तो बालाजी विश्वनाथ को क्यों भाई बालाजी विश्वनाथ को इस पद पर क्यों नियुक्त किया गया इसलिए नियुक्त किया गया क्योंकि बालाजी विश्वनाथ की मदद से इन्हीं की मदद से की मदद से इन्होंने क्या जीता था इन्होंने खेड़ा का युद्ध जीता था कौन सा युद्ध खेड़ा का युद्ध जीता था और इसी युद्ध को जीतने के बाद ये पेशवा सॉरी छत्रपति बने थे और ये युद्ध लड़ा गया था 1707 में ठीक है साहू जी और ताराबाई के बीच में ठीक है भैया हा, हा। <laughs> अच्छा भैया जीरो जीरो सेवन ठीक है चलिए तो एकदम बढ़िया सवाल है दोस्तों आगे बढ़ा जाए अच्छा अंतिम पेशवा कौन था कोई बता सकता है अंतिम पेशवा कौन था तो भैया अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा अगर कभी पूछ ले तो कौन थे बाजीराव द्वितीय थे जी हाँ अच्छा लड़ाकू पेशवा किसे कहा जाता है लड़ाकू पेशवा किसी को याद है लड़ाकू पेशवा किसे कहा जाता है और लड़ाकू पेशवा कोई बता सकता है किसको कहते हैं तो लड़ाकू पेशवा कहा जाता है बाजीराव प्रथम को किसको कहा जाता है बाजीराव प्रथम को ठीक है बाजीराव प्रथम को कहा जाता है लड़ाकू पेशवा क्यों इनको क्यों लड़ाकू पेशवा कहा जाता है क्योंकि इन्होंने मुगल साम्राज्य के लिए कहा इन्होंने मुगल साम्राज्य के लिए क्या कहा कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी ठीक है तो तने का मतलब क्या था इनका तने का मतलब था कि इन्होंने सीधा दिल्ली पर हमला कर दिया तो ये पहले पेशवा हैं जिन्होंने सीधे दिल्ली में घुस कर मारा मुगलों को ठीक है भैया अच्छा हाँ हाँ। भैया सत्यम सरकार लाडला कह रहा है कि पंद्रह को एग्जाम था सेकंड शिफ्ट में चौरासी अटेम्प्ट किए हैं नाइनटी परसेंट एक्सी थैंक्स एम क्लासेस वेलकम मित्र वेलकम है ना बहुत बहुत आशीर्वाद भैया अरुण चलो शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा पथ प्रदर्शक कौन था तो दोस्तों के बाद गुरिल्ला युद्ध, तो थे. थे? युद्ध, मतलब युद्ध बिल्कुल और सभी का लाइक आना चाहिए जितने लोग लाइव हैं लाइक जरूर करेंगे सेशन को, और दोस्तों के भाई शेयर जरूर करेंगे चलिए पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था बताइए भाई अब आइए जबरदस्त तरीके से आपको इसका पूरा एनालिसिस बताते हैं राव भाव। अब एक बात कि इस समय मराठा पेशवा ये नहीं थे मराठा पेशवा कौन था बालाजी बाजीराव थे तो आइए एक बात बताया जाए कि अगर हम पानीपत के थर्ड वार ऑफ पानीपत की बात करें थर्ड वॉर ऑफ पानीपत की बात करें तो सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि सत्रह में ही हुए इस युद्ध के पीछे क्या कारण था तो ये कि भाई एक तरफ अफ़गान थे है ना और इसका कारण यह था कि मराठों ने अफगान अफगान वायसराय तैमूर शाह को निकाल दिया था दरअसल में मामला इस तरह का था कुछ कि अगर आप मैप बनाएंगे तो आप देखेंगे यहां पर पड़ता है क्या लाहौर ठीक है और इस ला, ये लाहौर को अफगानी लोग अपने साम्राज्य में मानते थे और मराठे अपना मानते थे तो मराठे लाहौर को अपना मानते थे अफगानी अपना मानते थे तो अफगानियों ने क्या किया यहां पर है ना अपना एक वायसराय नियुक्त कर दिया और उस वायसराय का नाम क्या था उस वायसराय का नाम था तैमूर शाह और ये तैमूर शाह कौन था तो ये अहमद शाह अब्दाली का बेटा था कौन था भैया अहमद शाह अब्दाली का बेटा था ठीक है हमला तो 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 करने के लिए टूट पड़ा हालांकि फिर संधि करने के लिए भी गिड़गड़ाया था ठीक है तो अफगान एक तरफ और दूसरी तरफ मराठे अब यहां पर ध्यान देने योग्य बात क्या है कि अफगान सेना का नेतृत्व खुद कौन कर रहा था अहमद शाह अब्दाली कर रहा था खुद अहमद शाह अब्दाली इसका नेतृत्व कर रहा था ठीक है जबकि अगर आप देखेंगे, तो यहां पर, यहां पर एक चीज़ ये भी है कि भाई इसका साथ किसने दिया था है ना अहमद शाह अब्दाली का साथ किसने दिया था तो भैया गद्दार कौन था जिसने साथ दिया था अवध का नवाब अवध का नवाब अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने इसका साथ दिया था

साहब भी कहा जाता है ठीक है और एक बात है कि यहां पर मराठा का नेतृत्व तो कौन कर रहा था तो मराठा का नेतृत्व तो कर रहा था उस समय का सर्वश्रेष्ठ तोपची जिसका नाम था इब्राहिम शाह गार्दी क्या नाम था इब्राहिम शाह गार्दी इसीलिए सवाल क्या आता है पता है इब्राहिम शाह गार्दी ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया था सवाल पूछा जाता है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में कौन सा मुस्लिम सेनानी मराठों की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था तो इब्राहिम शाह गार्दी ठीक है भैया अब जरा ध्यान दीजिएगा भाई कि ये जो इब्राहिम शाह गार्दी है ठीक है ये मराठों की ओर से लड़ता हुआ मारा गया और सदा शिवराव भाव लीड कर रहे थे अब आपको बता दें कि इस युद्ध में अफगानों की जीत हुई मराठों की हार हुई लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि यह युद्ध का परिणाम क्या हुआ इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि मराठों का सब कुछ लुट गया इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि मराठों का सब कुछ लुट गया लेकिन अफगानों को कुछ मिला भी नहीं समझ रहे अफगानों को कुछ नहीं मिला क्यों क्योंकि इस युद्ध को जीतने के बावजूद अपने अफगानिस्तान में हुए गृह युद्ध को संभालने के लिए अहमद शाह अब्दाली को दबे पांव यहां से भागना पड़ा जी हां दबे पांव यहां से भागना पड़ा ठीक है भैया तो इसलिए रखेंगे ये पूरी बात याद अच्छा एक बात और बता दे क्या ये जो सदाशिव राव भाऊ देख रहे हैं ऐसा ही एक नाम मिलता है सदाशिव राय क्या आप जानते हैं सदाशिव राय और सदाशिव राव भाऊ में क्या डिफरेंस है दोनों में अंतर जानते हैं दोस्तों कौन बताएगा भाई दोनों में डिफरेंस इस बस इसमें बता दीजिए किससे रिलेटेड है तो आपको बता दें कि सदाशिव राय विजयनगर का राजा है कौन विजयनगर का राजा है और विजयनगर का राजा यह उस समय था जब हाँ ना भैया जब या यूं कह लीजिए कि ये विजयनगर का लीडर था कि ये विजयनगर का नेतृत्व कर रहा था किस युद्ध में ये विजयनगर का नेतृत्व कर रहा था जब तालीकोटा का युद्ध हुआ था तालीकोटा का युद्ध याद है तालीकोटा के युद्ध में क्या हुआ था तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था और उस विजयनगर साम्राज्य के पतन के दौरान लड़े गए तालीकोटा के इस युद्ध में इनका लीडर राय था ठीक है तो ये सदाशिव राय है और ये सदाशिव राव भाऊ सदाशिवराव डिफरेंस याद रखेंगे ठीक है भैया हाँ विश्वास राव पुत्र बिल्कुल तो चलिए आगे बढ़ा जाए सवाल है दोस्तों कि पानीपत के युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मारा जाने वाला मुस्लिम सेनापति तो बिल्कुल अभी अभी बताया था भैया क्या होगा ग्रुप डी का वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा है ना वो कहते हैं ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होगा वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा वाह 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 चलिए चलिए तो बढ़िया सवाल है दोस्तों और राइट आंसर आपको बताया जा चुका है पहले ही इब्राहिम शाह गार्दी या इब्राहिम खान गार्दी ऐसे ही एक आता है हकीम खां सूरी याद है याद करिए हल्दी घाटी के युद्ध में कौन सा मुस्लिम सेनानी महाराणा प्रताप की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था तो उसका नाम था हकीम खां सूरी अफगानी था ठीक है एक संधि से 20 वर्षों तक अंग्रेजों और मराठों के मध्य शांति बनी रही वह कौन सी थी सभी लोगों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं और मैं देख सकता हूं कि आंसर किसी का भी सही नहीं आया है यज्ञ जी का एकदम वाह क्या बात है एकदम भाई गोस्वामी जी आप तो यज्ञ करके बैठे हैं एकदम सही आंसर दिया है खुशी चंदन वाह वाह शानदार शानदार चंदन मोनी एकदम भाई मोनी जी एकदम जबरदस्त राइट आंसर साल बाई की संधि समझोगे कैसे ऐसे थोड़े नहीं समझ में आएगा आओ बताते हैं कैसे समझ में आएगा देखो सबसे पहले तो यह समझो कि एक है एंग्लो मराठा वॉर क्या है भैया एंग्लो मराठा वॉर और ये एंग्लो मराठा वॉर कितने हुए हैं जरा कमेंट करो सभी लोग कमेंट करके बता देखो कमेंट कमेंट करते रहा करो कमेंट चलता रहता है तो यहां पर एनर्जी मिलती रहती है तो भैया तीन एंग्लो मराठा वॉर हुए कितने हुए तीन हुए पहला वाला कब लड़ा गया तो पहला वाला हुआ सत्रह से है ना सत्रह से बयासी दूसरा वाला कब हुआ दूसरा वाला हुआ, हुआ अठारह से 1805 और तीसरा वाला कब हुआ 1817 से 18 ठीक है अब पूरी बात समझना तभी इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आएगा जब यह वाला तो इस समय पेशवा कौन था तो इस समय पेशवा था माधव नारायण राव कौन था माधव नारायण राव पेशवा था ठीक है भैया तो माधव नारायण राव पेशवा थे और इन दोनों युद्धों के समय पेशवा कौन था इन दोनों युद्धों के समय पेशवा थे बाजीराव द्वितीय तो सबसे पहले तो यही जान लो ठीक है भैया और इसके बाद अगर आप देखेंगे अगर आपसे पूछ ले कि भैया गवर्नर जनरल ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था ये बताओ तब ब्रिटिश गवर्नर जनरल की बात करें तो इस समय गवर्नर जनरल कौन था इस समय था दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स क्या था वॉरेन हेस्टिंग्स इस समय गवर्नर जनरल था ठीक है और इस समय गवर्नर जनरल कौन था इस समय गवर्नर जनरल था वेलेजली कौन था वेलेजली और इस क्यों बता रहे हैं सुनना अभी मजा आ जाएगा यहां पर गवर्नर जनरल कौन था यहां पर गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स। अब आप कहेंगे सर इनको लॉर्ड मत कहिए लॉर्ड क्यों ना कहें ना लॉर्ड इसलिए कहना यहां पर मजबूरी है क्योंकि ये देखिए क्या है वॉरन हेस्टिंग्स और ये देखिए क्या है लॉर्ड हेस्टिंग्स तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है ठीक है भैया अरे भैया ठीक है अब जरा ध्यान दो अब अगर आप देखेंगे तो सत्रह में ये वाला जो युद्ध शुरू हुआ था ठीक है इस युद्ध का कारण क्या था इस युद्ध का कारण था सूरत की संधि कारण क्या था सूरत की संधि इस युद्ध का कारण थी जी हाँ सूरत की संधि इस युद्ध का कारण थी और इस संधि में यह था कि भाई है ना एक रघुनाथ राव थे माधव नारायण राव के चचा जो कि पेशवा बनना चाहते थे तो वो अंग्रेजों से जाकर मिल गए थे ठीक है भैया अच्छा हाँ अरे आएगा एके फोर्टी सेवन आएगा रुके रहो थोड़ा ठीक है भरे क्वेश्चन तो करा ले फोर्टी सेवन करा के बंद कर दें क्लास एके एक फोर्टी सेवन बूस्टर करा के क्लास बंद कर दें, हैं आएगा ना लास्ट में रुके रहो थमे रहो हैं चलो तो भैया सूरत की संधि सत्रह सौ पचहत्तर में हुई उसी से ये युद्ध शुरू कर ली थी इसलिए कुछ सरदार जो है भड़क गए कि ऐसे कैसे चलेगा ऐसे कैसे नहीं चलेगा ठीक है भैया अठारह सो में क्या हुआ इसमें हम कहेंगे कि अंग्रेजों की मराठों पर प्रभुत्व की लालसा अंग्रेजों की मराठों पर प्रभुत्व की लालसा मराठों तो पर प्रभुत्व की लालसा ठीक है तो अंग्रेजों की मराठों तो पर प्रभुत्व की लालसा थी और कोई बात नहीं थी ठीक है तो जो आपको याद रखना है अब देखो क्या है अब इसके बाद आपको अंत में यह समझना है कि इस युद्ध का अंत कैसे हुआ तो इस युद्ध का अंत हुआ सालबाई की संधि से ठीक है यह अंग्रेजों और मराठों तो के बीच में हुई सालबाई की संधि अब कब हुई संधि तो सिंपल सी बात है कि युद्ध जब खत्म हुआ सत्रह कब अठारह में तो सॉरी हाँ, सत्रह सो बयासी में सत्रह सो बयासी में ठीक है और ये इस वाले में क्या mm. हुआ भैया इस वाले में ये हुआ कि मराठों को सहायक संधि स्वीकारनी पड़ी मराठों को सहायक संधि स्वीकारनी पड़ी मराठों को सहायक संधि स्वीकारनी पड़ी सहायक संधि स्वीकारनी पड़ी थी और तीसरे वाले में क्या हुआ पेशवा पद समाप्त हो गया और मराठा राज्य खत्म हो गया पेशवा पद समाप्त और मराठा राज्य समाप्त ठीक है भैया पेशवा पद समाप्त हो गया था तो अब आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने जो इस समय दिख रही है ये स्क्रीन पर एकदम एक ही पेज में पूरा कहानी खत्म ठीक है भैया चलिए आगे बढ़ा जाए सवाल है कि अवध ने स्वायत्त राज्य की स्थापना किससे की थी भाई किसने की थी अवध में स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था या अवध में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था यह कौन बताएगा भाई हा हा कॉमनवेल्थ गेम्स पर रटो लिस्ट निकाल लो गूगल से और रट डालो कि किसको किसको गोल्ड मेडल मिला है और कुछ फेमस खिलाड़ी जी हाँ और एकदम सही जवाब कौन दे रहा है भैया तो पंकज बाबू का आंसर एकदम सही आया है वहाव प्रयांश और भाई मोनी क्या बात है शानदार एकदम सही आंसर दिया है सादत खां जिसको बुरहान भी कहा जाता है अगर हम आपसे कहें कि अवध का अंतिम नवाब कौन था तो बताओ फटाफट यहां का अंतिम नवाब कौन था दोस्तों बिल्कुल फटाफट सभी का आंसर होना चाहिए भाई तो इसका अंतिम नवाब कौन था वाजिद अली शाह था कौन था वाजिद अली शाह था और एन में यहां से सवाल पूछा गया था ना कई बार पूछा गया चलिए एक और शानदार सवाल अवध के अंग्रेजी राज्य में विलय के समय वहां का नवाब कौन था लो भैया आ गया तो अवध का जिस समय अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ कब हुआ था विलय भाई अठारह में हुआ था किस आधार पर हुआ था याद करिए कुप्रशासन के आधार पर कुप्रशासन के आधार पर विलय हुआ था और सभी का कमेंट आना चाहिए एक तरफ से तरीके से। और द्वारा यह रिपोर्ट तैयार की, की गई थी? थी और भाई जाहिर से बात है इस समय कौन था वाजिद अली शाह अरे वाह शानदार भाई आरती प्रयांश खुशी और राहुल शानदार भाई नवेश एकदम भाई मोनी शानदार एकदम एकदम बढ़िया सवाल है एक और अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल के थे अब यहां मिसल का मतलब समझ रहे कई बार क्वेश्चन आता है कि मिसल क्या था तो छोटे 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 सिख राज्यों को छोटे छोटे सिख राज्यों को मिसल कहा गया है छोटे छोटे सिख राज्यों को क्या कहा गया है इनकी टोटल संख्या कितनी थी इसी सुकेर चकिया मिसल से थे कौन रणजीत सिंह और इनके पिताजी का नाम था महासिंह ठीक है भैया चलिए शानदार भाई सभी का आंसर सही आया है गजब मान गए भाई कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही अमृतसर की संधि अमृतसर की संधि रणजीत सिंह ने किससे की थी अब एक बात बताए आपको अगर आपसे कहा जाएगा कि इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था तब आंसर अलग होगा ठीक है और इस, इस संधि पर साइन किसने किया था तब अलग होगा ठीक है तो इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो था उसका नाम क्या था पता है उसका नाम था मिंटो प्रथम क्या नाम था उसका मिंटो प्रथम और जिसने उस संधि पर हस्ताक्षर किया था उसका नाम क्या था चार्ल्स मेटकॉफ और पूछा क्या है कि किसके साथ रणजीत सिंह ने संधि की थी तो जाहिर सी बात है कि भैया वो तो मेटकॉफ के साथ करी थी बात समझ रहे हैं हां और कब करी थी 1809 में करी थी और इस संधि में यही था कि सतलज नदी को सीमा मान लिया गया सतलज को सीमा मान लिया गया और यह सवाल कई बार पूछा जाता है कैसे सवाल आता है पता है दरअसल में आप ऐसे समझिए कि आप ऐसे समझ लीजिए जैसे मान लीजिए हमने ये मैप बनाया अब आप जानते हैं कि क्या होता है कि यहां पर ठीक है यहां पर इस प्रकार से अगर आप देखें तो होता यह है कि यहां पर एक सतलज नदी बहती है सतलज नदी इस प्रकार से ठीक है तो यह हुआ कि सतलज नदी के इस पार सिख राज्य है ठीक है और सतलज नदी के इस पार ईस्ट इंडिया कंपनी का है समझ गए ये हुआ तो दोनों के बीच की बॉर्डर निर्धारित कर दिया गया सतल नदी को कि उस पार पार तुम्हारा इस हमारा समझ गए चलो आगे बढ़ा जाए और याद रखना ये जो है एक बात और बताए यह क्या है कौन है लार्ड मिंटो प्रथम और अगर हम कहें कि मिंटो द्वितीय लार्ड मिंटो द्वितीय तो लार्ड मिंटो द्वितीय के समय में बढ़िया काम कौन आ, मतलब आ, यादगार काम कौन सा हुआ था तो जहां से पेपर में क्वेश्चन आता है 1909 तो देखिएगा क्या हम बताना चाह रहे हैं वीके का जी के अंदाज में कि भैया 1809 में मिंटो प्रथम के समय में यह महत्वपूर्ण बात है जो याद करनी है और उसके 100 साल बाद 1909 में मिंटो द्वितीय के समय में क्या हुआ वो याद करना है और यह क्या था यह था मार्ले मिंटो सुधार एकदम भैया जय शानदार ठीक है भाई हाँ हाँ अच्छा भैया शमशेर बिल्कुल बिल्कुल करना है करना है शानदार भाई महाराजा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था वैसे तो मैं कोहिनूर हीरे की खुदाई से लेकर अंत तक का सब बता सकता हूं लेकिन ठीक है इतना जरूरी नहीं है आप जमान शाह याद रखेंगे क्या जमान शाह जमान शाह कौन था यह अफगानिस्तान का राजा बनना चाहता था और महाराजा रणजीत सिंह की मदद से राजा बनना चाहता था किसकी महाराजा रणजीत सिंह की मदद से राजा बनना चाहता था तो चलिए दोस्तों एके 47 बूस्टर का टाइम आ चुका है और एके फोर्टी सेवन बूस्टर ले लीजिए और आज के बूस्टर में आपके लिए कुछ खास है लेकिन सबसे पहले ये लाइक का आंकड़ा तीन सौ तो पहुंचाइए उसके बाद शुरू किया जाए हाँ। इतना कम लाइक मजा नहीं आता फटाफट चले फटाफट फटाफट हाँ भाई एकदम जबरदस्त <laughs> देखो तो भाई अरे बम फोड़वा दिया जाए यहां बम फोड़े वाला कोई है नहीं सवा दस बज गया सब जा चुके हैं हम ही, ही यहां हैं ठीक है तो चलिए तगड़ा तरीके से एकदम लेकर चलते हैं तो आज के फोर्टी सेवन बूस्टर में आपको क्या मिलेगा भारतीय शिक्षा विशेष भारतीय शिक्षा प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण तो प्रश्न उत्तर आपको देखने को मिलेंगे ताबड़तोड़ तरीके से तो भारतीय शिक्षा प्रणाली से इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा यह मेरा विश्वास है तो चलिए सबसे पहले देखिए शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र तक्षशिला सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा सबसे पहले तो यही समझ लो कि शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र कहे तो तक्षशिला सबसे पुराना विश्वविद्यालय कहे तो नालंदा ठीक है तक्षशिला कहां पर है तो पाकिस्तान नालंदा कहां पर तो है तो बिहार ठीक है मौर्यालीन शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कहे तो तक्षशिला मौर्यालीन कहे या तो कहे आपसे प्राचीन कालीन शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तो भी है ना

ठीक है तो मध्यकाल में शिक्षा का, का प्रसिद्ध केंद्र मध्यकाल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र पूछेगा तो जौनपुर जिसको क्या कहा गया है सिराज हिंद कहा गया है या पूर्व का सिराज कहा गया है जी दोस्तों सिराज हिंद या पूर्व का सिराज कहा गया है दारुल बका क्या था एक कॉलेज था दोस्तों दारुल बका नाम का कॉलेज दिल्ली में किसने बनवाया था यह बनवाया था दोस्तों हुमायूं ने किसने बनवाया था हुमायूं के द्वारा दिल्ली में अच्छा शाहजहां के द्वारा

किस रूप में शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है बिल्कुल बिल्कुल आगे देखा जाए तो दोस्तों भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित हुई थी उन्नीस में दूसरी कब घोषित हुई थी उन्नीस में तीसरी या नई वाली कब आई है 2020 में आई है 29 जुलाई को जय हिंद दोस्तों बिल्कुल पहली वाली किस किस सिफारिश पर आई थी तो कोठारी आयोग की सिफारिश पर आई थी ठीक है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है जिसे 1854 ईस्वी में भारत सरकार के समक्ष पेश किया गया था तो याद रखेंगे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं वुड डिस्पैच को कहा जाता है जो 1800 चौवन में आया था और उस समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था वो डलहौजी था दोस्तों कौन था डलहौजी था ठीक है इधर भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया था मैकाले ने किया था इसीलिए इसको अंग्रेजी शिक्षा का भारत में जनक माना जाता है शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने का जो सलाह है दोस्तों वो भी मैकाले के द्वारा दिया गया और गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के समय में भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बना दिया गया था जी हाँ सवाल है कि शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने हंटर आयोग अठारह में गठित किया था और स्टैंडलर आयोग का गठन 1917 में किया था ठीक है और इसमें याद रखेंगे कि हंटर आयोग का संबंध किससे था प्राथमिक शिक्षा से था लेकिन याद रहे कि यह हंटर आयोग है और अगर आप देखेंगे तो एक हंटर समिति भी है और हंटर समिति का गठन जलियावाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था मुक्त विश्वविद्यालय पहला कहां खोला गया था इंग्लैंड में भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय ठीक है भैया बिल्कुल इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय जिसको आप इग्नू कहते हैं तो भैया इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है उन्नीस में स्थापित हुआ था हा हा बिल्कुल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश पर की गई थी 1956 में और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे शांति स्वरूप भटनागर ठीक है भाई राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीआर की स्थापना 1961 में हुई थी 1961 में ही एमनेस्टी इंटरनेशनल की भी स्थापना हुई थी जी हाँ जी हाँ दोस्तों राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में हुई थी जी हाँ भारतीय शिक्षा को टेन प्लस टू प्लस थ्री का सुझाव किसने दिया था कोठारी आयोग ने दिया था और पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति से यह लागू था हालांकि नई वाली शिक्षा नीति जो आई है उसमें फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर के कॉन्सेप्ट को अपनाकर इसको समाप्त कर दिया गया है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम उन्नीस सौ में लागू हुआ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये केंद्रीय केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान व इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस कहां पर स्थित है हैदराबाद में स्थित है विश्व भारती विश्वविद्यालय कहां पर है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1921 में स्थापित किया गया वेस्ट बंगाल में स्थित है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना उन्नीस में की गई थी जिसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों जिसके अध्यक्ष थे कौन भाई टॉमस रैले और ये किसके शासनकाल की बात है तो ये करजन के शासनकाल की बात है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग जो बना था उसी की सिफारिश पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी आगे चलकर आया और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया था 1904 में आया था ठीक है भाई चलिए आजादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने राधा कृष्ण आयोग का गठन कब किया था उन्नीस सौ में और इसी सिफारिश पर इसी की सिफारिश पर यूजीसी का गठन हुआ और आगे चलकर शिक्षा को समर्थि सूची में रखा गया अच्छा भैया प्रणाम ठीक है भारत में सबसे पहले आईआईटी आई खड़गपुर की स्थापना हुई थी मतलब पहला आईआईटी पूछेगा तो आईआईटी आई खडगपुर लेकिन पहला इंजीनियरिंग कॉलेज पूछेगा तो आईआईटी आई उत्तराखंड आईआईटी आई उत्तराखंड ठीक है भाई अच्छा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में कहां पर हुई थी कोलकाता में शुरू में कोलकाता का नाम है फोर्ट विलियम था ठीक है जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी 1920 में मोहम्मद अली जौहर ने की थी शिक्षा का मौलिक अधिकार अधिनियम कब आया था आया था 2009 में लेकिन लागू कब हुआ था अप्रैल 2010 को ठीक है भाई राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है 11 नवंबर को लेकिन शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है तो शिक्षक दिवस में तो आप जानते हैं कि दो चीजें हैं कि शिक्षक दिवस में एक तो राष्ट्रीय होता है एक अंतरराष्ट्रीय ठीक है तो जो राष्ट्रीय होता है वो पांच सेप्टेंबर को और जो अंतरराष्ट्रीय वाला या विश्व शिक्षक दिवस होता है वो पांच अक्टूबर को मनाया जाता है ठीक है भाई और 14 नवंबर को बाल दिवस ठीक है हाँ, 11 नवंबर को शिक्षा दिवस और 14 नवंबर को बाल दिवस नेहरू जी के सम्मान में ठीक है भैया बाल दिवस खैर 2000 ठीक जान दीजिए अच्छा पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सलाह किसने दी थी तो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोठारी आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1968 में आई थी कब आई थी वर्ष 1968 में बिल्कुल बिल्कुल समिति किससे संबंधित है शिक्षा से संबंधित है 2017 में इसका गठन हुआ था और इसी की सिफारिश पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया है कब 29 जुलाई 2020 को ठीक है भाई शिक्षा को समर्थित सूची में कब रखा गया 1976 में बयालीसवें संविधान संशोधन के द्वारा ठीक है शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है आर्टिकल ट्वेंटी वन ए के तहत छियासीवे संविधान संशोधन 2002 के तहत ठीक है भैया बिल्कुल शिक्षा मंत्री इस समय कौन है भाई धर्मेंद्र प्रधान इस समय शिक्षा मंत्री हैं दोस्तों बिल्कुल शिक्षा पर खर्च का प्रावधान भारत में ये प्रावधान है कि जीडीपी का छह प्रतिशत जी का सिक्स परसेंट शिक्षा पर खर्च होना चाहिए लेकिन लगभग तीन प्रतिशत भी शिक्षा पर भारत सरकार खर्च नहीं करती है यह सच्चाई है आधुनिक शिक्षा का जनक किसे माना जाता है चार्ल्स ग्रांट को हालांकि आधुनिक शिक्षा की नींव कब पड़ी थी तो आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी थी 1835 में जब मैकाले मिनट्स की सिफारिश पर विलियम बेंटिक ने उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना दिया था ठीक है भैया पहला खेल विश्वविद्यालय कहां बना मणिपुर में बना पहला रेल विश्वविद्यालय कहां बना बड़ोदरा में बना और पहला ट्रांसजेंडर पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनी तो फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी अगर आपसे पूछा जाए तब क्या बताएंगे भैया तो फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में कहां पर कुशीनगर उत्तर प्रदेश में और पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी तो पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहां बना तो पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहां पर बना भारत में केरला में कहां पर बना भैया केरला में बना समझ रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जो शिक्षा से संबंधित हैं और इस प्रकार से आज का एक के फोर्टी सेवन बूस्टर यहाँ पर समाप्त होता है अब आपके बताने की बारी है कि आज का जो आपको कंटेंट मिला है इसको दस में से कितने मार्क्स आप देना चाहेंगे इस कंटेंट को जो आपने कंटेंट आज पढ़ा है मॉडर्न हिस्ट्री का और इसके बाद आज जो आपने एक के फोर्टी सेवन बूस्टर देखा है कौन सा भैया पूरा शिक्षा प्रणाली भारत की प्राचीनतम शिक्षा प्रणाली से लेकर अभी तक पूरा हाँ भाई आरती दुर्गा जी नीलेष प्रणव रंजन वहाब ज्ञानी विद्या दादा अह प्रयाश मोनी गौतम अल्ताफ एनटीपीसी अच्छा राजीव आहा बिल्कुल बिल्कुल भाई बहुत शानदार बहुत शानदार भाई आकर्षण आज हाँ हमें हाँ, मालूम है अब पेपर हो ही गवा है ना पेपर होने के बाद इंसान एकदम बिल्कुल मस्त हो जाता है कि चलो थोड़का आराम कर लें बहुत मेहनत चल रही थी लेकिन बनता है ठीक है बहुत बहुत, बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का लाइक वाइक कर दीजिएगा जिन्होंने ना किया हो दोस्तों के बीच शेयर बनता है फिर कल मिलते हैं बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद थैंक यू थैंक यू वेरी मच गुड नाइट शुभरात्रि